कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 अध्याय 21 प्रायिकता। ए बी तथा सी तीन परस्पर अपवर्जी व निःशेषी घटना है। पी आफ ए ज्ञात कीजिए, जबकि पी आफ बी बराबर 3/2 पी आफ ए तथा पी आफ सी बराबरी से 1/2 पी आफ बी। अब कंडीशन हमारे पास जो दी है वहाँ से हम शुरुआत करें तो हमारे पास दिया है कुछ इस प्रकार से कि ए बी तथा सी परस्पर अपवर्जी घटना है, क्योंकि ए कमा बी तथा सी परस्पर अपवर्जी व निःशेषी घटनाएं इसका सीधा सा अर्थ हुआ। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को जब जोड़ेंगे पी आफ ए प्लस पी आफ बी प्लस पी आफ सी, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो योगफल हमको 1 मिलेगा। अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है पी आफ सी की वैल्यू 1/2, पी आफ सी इक्वल टू 1/2 पी आफ बी। साथ ही साथ पी आफ बी दिया है 3/2 पी आफ ए, तो मतलब इसको हम अगर इसी के बराबर लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 गुणित 3/2 पी आफ ए। एक एक हम एक दिया 3 और 2 2 4, मतलब क्या आ गया 3/4 पी आफ ए। पी आफ सी की वैल्यू आ गई और पी आफ बी तो दिए ही है 3/2, तो इसको अगर अपन कहें कि ये इस समीकरण में पी आफ बी की वैल्यू को 3/2 पी आफ ए, पी आफ सी की वैल्यू को 3/4 पी आफ ए रख रहे पर, तो यहां लिख रहे हैं समीकरण 1 में क्या करें, मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर पी आफ ए यथावत रहेगा पी आफ ए प्लस पी आफ बी की जगह पर 3/2 पी आफ ए धन पी आफ सी की जगह पर 3/4 पी आफ ए। अभी जो वैल्यू निकाली अपन ने बराबरी से 1, अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 इसके बटे में 2 इसके बटे में 4। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये एलसीएम हमको क्या मिलेगा, 4। सारे पदों में पी आफ ए कैसा है, कॉमन है, तो हम सारे पदों से एलसीएम को निकाल लेंगे। एलसीएम निकला कितना, 4। सारे पदों से हमने किसे, सारे पदों से हमने पी आफ ए को कॉमन निकाल लिया। इन सारे पदों से पी आफ ए को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ 4 धन 2 2 4 2 3 6 धन 3, तो इस तरीके से 4 धन 6 धन 3/4। जब इसको देखेंगे हम तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 13/4 पी आफ ए बराबरी से 1। 13/4 उधर जब जाएगा तो भागित नाम गुणित होके ये पलट जाता है और ये क्या बनता, पी आफ ए बराबरी से 4/13। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।